ऐसे वाक्यात है जिसमें हमें रियासत की सफा की है तो उसकी मुनाफिकत का अंदाजा हो जाता है कि वो किस तरीके से लोगों को बुलाकर फिर उन्हें जबरी गुमशुदा करते हैं। वो किस तरह बलूचिस्तान में घुसकर हमारे चादर और चार दीवारी की जो अहमियत है इज्जत है उसको पामाल करते हैं। अत्ता के जो हमारे घरों में सेविंग्स होती है लोगों की, चाहे वो जेवरात हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो दीगर सामान हो, ये लुटेरे जो खुद को मुआफिस कहते हैं, ये चोर जो खुद को मुआफिस कहते हैं, वो रात गए डकैती करके हमारे घरों से हमारे नौजवानों के साथ साथ औरतों के जेवर और उनके कीमती कपड़े भी ले जाते हैं। ये सफाकियत का इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये ना सिर्फ बलूचिस्तान में लोगों को जबरी गुमशुदा करते हैं बल्कि चोरी और डकैती से अपने अपने पेट का गुजारा भी करते हैं। जिस तरह गुंडा बलूचिस्तान के वसाइल का इस्तेमाल करके अपना पेट पाल रहा है, बिल्कुल उसी तरह इसके चोर लुटेरे जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम दिया जाता है, ये भी अपना जेब गर्म रखने के लिए बलूचिस्तान में माल मवेशियों को चोरी करके, कभी औरतों के जेवरात को और उनके कपड़ों को चोरी करके अपना पेट पालते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। और दूसरी तरफ जहाँ हमारे गरीब मजदूर रहते हैं या के वो जमींदारी करके अपना पेट पालते हैं, अब तो ये सफा फोर्सेस वहाँ पे भी अपना कब्जा जारी किए हुए हैं। जिस तरह ने अरमान मरी के बेटे ने कहा कि मेरे वालिद को फोन पर बुलाकर कहा गया कि तुमसे कोई काम है, बात करनी है, और उसके बाद उनके वालिद वापस नहीं आए, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जितने भी लड़ाई की बैठे हैं इनके लोगों को उसी तरह धोखे फरेब से बुलाकर जबरी गुमशुदा किया गया है। अब मैं जाजे बलोच की बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और आप सबके सामने अपने ख्यालात का इजहार करें। जिनके वालिद को उस वक्त लापता किया गया जब मासूमा 6 माह की थी, अब मासूमा 9 साल की हो चुकी है, लेकिन उसके वालिद का कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ है। ये हमें पता है कि वो रियासती टॉर्चर सेल्स में है, लेकिन ये नहीं पता कि किस कसूर के तहत उन्हें लापता किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मासूमा बलूच लापता जान से बलूच की बेटी। मैं पिछले 8 सालों से अपने वालिद के इंतजार में हूँ। कुछ दिन पहले मेरे मामू को धमकी दी गई थी कि आप लोग धरने में आते हो, अगले बार अगर आप लोग धरने में आए आपके घर के एक बंदे को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये जालिम रियासत ये समझती है कि हम उनकी धमकियों से डर जाएंगे, ये उसकी कम अकली है, लेकिन हम उनसे नहीं डरते। हम डरने वाले नहीं है, चाहे हमें मारो, चाहे हमें धमकी दो, चाहे हमें अपने टॉर्चर सेलों में बंद करो, हम आपसे नहीं डरते। हम इस पूरी सूरत हाल को अवाम के सामने लेकर जाना चाहते हैं। आपकी ताकत सिर्फ और सिर्फ बंदूक है, और हमारी ताकत हमारे साथ हमारा खुदा है, हमारे साथ हमारे बंदे हैं। आप हमें मारो, आप मार सकते हो हमें, मारो आप धमकी दे सकते हो धमकी दो, आप हमारे घर के सारे बंदे को लेके जाओ, मुझे भी आखिर लेके जाओ ना, मेरे मामू को लेके जाओगे, मेरे चाचू को लेके जाओगे, मेरे वालिद को तुम लोगों ने लेके गए, लेकिन अब मुझे भी लेके जाओ, फिर मैं ही बचू। अगर उन्होंने गुनाह किया है तो उनके साथ मैंने भी गुनाह किया, मुझे भी लेके जाओ।
उसका गुनाह ये है कि वो बलूच है। आप धमकी दे सकते हैं, धमकी दो, अगर आप नहीं डरेंगे जाके उन्हें धमका, जाके उन्हें डरा, जो आपसे डरेंगे। नारे 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 बलूच, नारे बलूचिस्तान, तुम मारोगे, तुम मारोगे, धमकाओगे, धमकाओगे। विनत विनत अब मैं मोहम्मद शाह के लवाई की इनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो अगर यहाँ मौजूद हैं तो आए अपने ख्याल का इजहार करें। महमूद शाह के मैं आज जद में हूँ, मैं आज अगर जद में हूँ तो खुशगुमान न हो, चिराग सबके हो जाएंगे, हवा किसी का नहीं। मेरे कजन सैयद महमूद शाह को बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट तहसील मिस्कान कला से 10 अगस्त 2014 को जबरी गुमशुदगी के शिकार बनाया गया। आज 10 साल गुजरने के बावजूद महमूद शाह को बाहिफाजत बाजियाब नहीं किया गया, ना उसे मंजर आम पर लाया गया। आज नूर आलम बलोच को 8 गुजर गए हैं। आज उसकी बहन उसकी इंतजार में उसने 8 कैसे गुजारे हैं मैं ये अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। उसकी माँ जिसने लंबी लंबी रातों में करवटें बदल बदल कर अपने बेटे का इंतजार किया है, वो किस अजियत में किस तकलीफ में थी वो मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। उसके वाले साहब जिसका दायां बाजू 8 पहले जख्मी किया गया, उसने 8 का ड्यूरेशन किन अजियतों में, किन दर्द और तकलीफ में, किन जब के साथ अजियतों में गुजारे हैं यूं मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। आज यहाँ बैठे तमाम मिसिंग पर्सन फैमिली का जख्म देखे, आए रोज जिसको भी लापता किया जाता है वो यहाँ पुरामन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाता है, वो यहाँ आके आहुजारी करता है कि आपके जो यहाँ नाम निहाद महारत बने हुए हैं, जिनको आप अदलिया का, जिनको आप इंसाफ का नाम देते हैं, वहाँ लाकर ये पेश करें। अगर कोई जुर्म साबित होता है तो इसी आईन और कानून के तहत उन्हें सजा दी। यहाँ बैठे तमाम लोग आपके आईन से भी वाकिफ हैं, यहाँ बैठे तमाम लोग आपके कानून से भी वाकिफ हैं, यहाँ बैठे तमाम लोग आपके अदलिया से भी वाकिफ हैं, जहाँ आपने बालाज को पेश करके दूसरे दिन उसकी मजाक शुदा लाश उसकी फैमिली को तोहफे में दी। फिर जो यहाँ कौम परस्त हैं, जो यहाँ सेमिनार्स करते हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना हाथ दिल पर रखते हैं और कहते हैं कि जी हम तो नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, आप मामा कदीर को बुलाएं, आप डॉक्टर मारंद को बुलाएं, आप मिसिंग पर्सन फैमिलीज की चीज को भी बुलाएं, हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। आप किस चीज के लिए नेगोशिएशन करेंगे? आप इस चीज के लिए करेंगे कि आपने हयात बलोच को 8 मारी, उसके लिए नेगोशिएशन करेंगे, उसके फैमिली को बुलाएंगे, आए हमने आपके बेटे को 8 किस तरह मारी? आप इसके लिए नेगोशिएशन करेंगे कि फियाज जब तक को उसके साथियों समेत उसकी वो मिसिंग थी, चारों जिनकी मदद शुदा लाश पहुंची गई वो चारों मिसिंग थी, उनकी आंखें निकाली गई थी, इस चीज के लिए नेगोशिएशन करेंगे कि आए अपने फिलहाल जब तक और उसके दोस्तों के आंखें किस तरह निकाली थी। अभी कुछ एक दो हफ्ता पहले मस्जिद में दो सगे भाइयों को
उसकी माँ के सामने आपने गोलियों से चली किया था, अब उसके लिए नेगोशिएशन करेंगे कि आए कि हमने किस तरह उनको गोलियां मारी। जब फियाज जब तक और दूसरे जो मिसिंग पर्सन होते हैं जिनको मजाक करके वीरानों में टैंक दी जाती है, जब इनकी आंखें निकाली जाती है, तब ये यहाँ बैठे हमारे नाम निहाद कॉम्परस्ट जो बलोच के खून और बलोचिस्तान की साइन और वसाइल पर सौदागिरी करते हैं, तब इनकी आंखें खुल जाती हैं, तब ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी जगह कंडेम करते हैं इस चीज को कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ उन्हीं की इमारत में बैठकर उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं, इन्हीं के कांग्रेस पार्टियां हैं जो जहां भी मिसिंग पर्सन फैमिली को के ऊपर या किसी बलोच के ऊपर तशद्दुद किया जाता है या उसे असियत तकलीफ दी जाती है, तो सबसे पहले यही लोग आते हैं बैठते हैं। जैसे अभी आप यही जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा था यहाँ से 10 कदम हमारे साथ जो पार्लियामेंटियर थे मौलाना साहब 10 कदम भी हमारे साथ चल नहीं सकते। तो इन्हीं के लिए मैंने अपनी मादरी जुबान में कुछ अशार लिखे हैं, वो आपको सुनाऊंगा। तरापा बलोच राजा वफादारी नबी, तरापा बलोच राजा वफादारी नबी, हमक रोज कहीं नूर सरदारी नबी, मन सदका बारीक मनी के बिजाने तो दायम तही वशाली बलोच राजा गारी नबी, उतोब दुकल तारावती ईमान बहाको, उतोब दुकल तारावती ईमान बहाको, पम्मना ऐब चंद जाली मेरी नबी, उतोब रामोशे वती चिंता के समापिकन, उतोब परामोशा वती जिंदा जी समापिकन, तो मक्के ही दी है पर जिंदे बदा को हवारी नबी, तो बिजन तीर आसमानदार में लोगन, तो बिजन तीर आसमानदार में लोगन, बरात मनी निगेबान दो तरह दिलदारी नबी, राज दफ्तर तरह मौत न का हिचको बदे कारण, राज दफ्तर तरह मौत न का हिचको बदे कारण, ए मेरे दयारिन मैं दाइम बेदारी नबी, दिला जज़मान कौलो करार कुतक मन, दिला जज़मान कौलो करार कुतक मन, बस से दही वाजही मनी वारी नबी, मनी जानो मनी ईमान तुले बलोचिस्तान, मनी मनी जानो मनी ईमान तुले बलोचिस्तान, बलोच नसल खुशी। अब मैं नेमतुल्ला बलोच की लवाईकी से गुजारिश करूंगी कि वो आए और आप सबके सामने अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं लापता नेमतुल्ला बलोच की बहन रिदा बलोच हूँ। मेरे भाई गुज़श्ता 9 सालों से लापता है। मैं जब 3 साल की थी तो मेरे भाई को लापता किया गया, तब से मेरी जिंदगी रोडों पे गुजर रही है। वो हमें हर वक्त डराती है लेकिन हम कभी भी नहीं डरेंगे उससे, कभी भी नहीं। वो हमें कहते हैं कि हम लोग आप लोगों की हिफाजत करेंगे। मैं उसे ये कहना चाहती हूँ आप लोग भी अपनी पतलूनों की हिफाजत करें, हमारा खैर है। वो अपने आप को समझते क्या है, अपने आप को देखे किसको की है, किस नस्ल की है, क्या कौन उसकी क्या नस्ल है। हमें धमका दी है, शर्म भी नहीं आती है उन लोगों को। कुत्ते हो कुत्ते के भी रोज ज्यादा फ्री नहीं हो जो बलोचों के साथ। तुम लोग बलोचो तुम लोग बलोचो के साथ सभी बलोचिस्तान में रह रहे हो, बलोच तुम्हारी नहीं। तुम लोग बलोचों के मोहताज हो, बलोच तुम्हारी नहीं। अगर बलोच है तो आप लोगों को बलोचिस्तान से निकाल भी सकता है, लेकिन बलोचों को आप लोगों के ऊपर तरस आता है कि छोड़ो गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को छोड़ो, जितना भी गद्दारी करें लेकिन बलोच उनके सामने कभी नहीं झुकेंगे। आप अगर एक बलोच भाई शहीद करोगे तो हम 1000 निकलेंगे। मेरे शेर भाइयों अभी तक जिंदा है, मरे नहीं, आप लोग अभी धमकाते हो। अब बलोच भी खून के बदले खून नहीं लेगा इंशाल्लाह। हुकूमत
अब मैं अपने आखिरी बकरे ज़हीर मौला बख्श के खाना से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। तमाम लापता